नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बंगाली सिनेमा से एक बेहद ही दुखद खबर आ रही है कि बंगाली सिनेमा के जाने माने अभिनेता अभिषेक चटर्जी का आज निधन हो गया है। जी हाँ, उनकी उम्र करीबन 57 से 58 बताई जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि अभिषेक चटर्जी जो है वो बंगाली सिनेमा जगत के जाने माने चेहरे थे और उनके निधन के बाद से ही सभी लोग जो है, सभी सिनेमा जगत जो है वो शोक की लहर में डूबा हुआ है। और साथ ही आपको बता दें कि अभिषेक चटर्जी ने अपने करियर की शुरुआत पहली फिल्म पथभोला से की थी और अब वह हमारे बीच नहीं है। बताया जा रहा है कि वह काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और जिसके बाद आज वह जंग जो है वो हार गए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब जो होना है वो होके रहता है। काफी दिनों से बीमार बताए जा रहे थे और लगातार जो है उन्हें हॉस्पिटल में इलाज जारी था उनका, लेकिन आज उन्होंने अपना दम तोड़ दिया है और वो दुनिया को अलविदा कह गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि अभिषेक चटर्जी का जन्म कोलकाता के बरानगर में हुआ था। अभी बहुत कुछ करना बाकी था, लेकिन महज 57 से 58 साल की उम्र में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। हमारी पूरी इंडिया न्यूज की टीम की तरफ से भी हम अभिषेक चटर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।